बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त विंटर सीज़न के क्लोथ्स और विंटर सीज़न की आइटम्स मेरे पास मौजूद हैं, तो ये जनाब मैं आपको बताती चलूं कि ये हम लोग लेके जा रहे हैं केपी के सैलाब ज़दगान के मुतासरीन के पास। आपने कुछ अर्से पहले हमारा प्रोग्राम देखा और हमने आपको दिखाया कि जो फ्लड विक्टम्स थे वो किस कदर बुरे हालात में कसम पुरसी में खुले आसमान के तले ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और जब हम लोगों ने वहाँ पे फूड पैकेजेस और राशन पैकेजेस और ग्रॉसरी और बेकरी आइटम इस तरह की चीज़ें तकसीम की, तो उनमें से आलमोस्ट लोगों का यही कहना था कि हमारा तमाम साजो सामान, माल मवेशी, यहाँ तक कि हमारे बिस्तर तक जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज ये था कि सर्दी जैसा कि आ गई है और पाकिस्तान के गिरदोनवा के मैदानी इलाकों में जब इतनी सर्दी शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा कि उन पहाड़ी इलाकों में और खैबर पख्तून खान में और दरियाए काबल के पास जो दरियाई इलाके हैं वहाँ पर किस कदर सख्त सर्दी होगी। तो हमने इस चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मकसद समझ के कबूल किया और उस पर थोड़ा सा वर्कआउट किया, उस पर थोड़ी मेहनत की, कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाब और कामरान फरमाया। क्योंकि हमारी नीयत नेक थी, हमारे इरादे पुख्ता थे और कहते हैं ना कि इरादे पुख्ता हों तो मंजिल मिल ही जाती है। तो जनाब ये सब लेके जा रहे हैं हम केपी के खैबर पख्तून खान में सैलाब ज़दगान के उन्हीं मुतासरीन के पास जिनकी कुछ वीडियोज़ आपने लास्ट मंथ देखी। तो मिलते हैं कुछ ही देर बाद और हम आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देते रहेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि सैलाब ज़दगान इस वक्त सर्दी के इन दिनों में किन हालात से दो चार हैं और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन लेट्स मूव, अब से कुछ देर बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपको सफ़र में, और सफ़र के बाद हम आपको मिलेंगे केपी के सैलाब ज़दगान के मुतासरीन के पास, दरियाए काबल के पास, खेमा बस्तियों में और तरनौल में, छते गांव में, चार सदा में, विद ऑल विंटर सीजन क्लोथ्स एंड विंटर आइटम्स। और इंशाल्लाह ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सैलाब ज़दगान के मुतासरीन में।